हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अज़रा खान फिटनेस। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 विंटर स्पेशल सुपर फूड्स। इनमें से कोई भी 5 से 6 अगर आप अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, यू आर गोइंग टू सी ड्रॉप ऑन द वेइंग स्केल। इंचेस में आपके ड्रॉप आएगा, आपकी ड्रेस साइजेस भी ड्रॉप होंगे और इवेंचुअली आप ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस के रिस्पेक्ट से भी देखें तो एवरीथिंग आउट देयर व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज वेरी हेल्दी, अप्रोप्रिएट टू द सीजन। तो जब गर्मियां आती हैं तो हम लोग पतले कपड़े पहनने लगते हैं, सर्दियां आती हैं मोटे कपड़े पहनने लगते हैं, हमारा स्किन केयर रूटीन चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से जो हम लोग खा रहे हैं वो भी चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीजन, इफ यू वांट टू स्टे फिट एंड हेल्दी। और उसके साथ साथ अगर आप अपने मील्स को बजट में प्रिप करना चाहते हैं तो आई थिंक वही खाएं जो आपके लिए लोकल हो। इंडिया में अभी सीजन है विंटर्स का एंड इन विच एवर कंट्री यू आर एंड वॉचिंग दिस वीडियो, जब भी आपका विंटर सीजन आए यू कैन स्वॉप योर प्लेट विद दीज काइंड ऑफ फूड्स एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। ये जो लिस्ट है जो मैंने बनाई है वो आपको वेट लॉस में ही नहीं मदद करेंगे, आपके हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल के लिए, अगर आपको डायबिटीज का इश्यू है, इंसुलिन को नॉर्मलाइज करने के लिए, दीज फूड आइटम्स आर रियली हेल्दी एंड हेंस दे आर कॉल्ड सुपर फूड्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज व्हाट आर द 10 सुपर फूड्स विच यू कैन इनकॉर्पोरेट इन विंटर्स। आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट अज़रा खान और अगर आप चाहते हैं इस तरह के हेल्थ एंड वेलनेस के वीडियोज, इन्फॉर्म्ड वीडियोज देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे मैं अपनी डेली स्टोरीज में मोटिवेट करती हूँ आप लोगों को। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट माई वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम्स, देन यू कैन विजिट माई वेबसाइट एंड ईमेल मी फॉर इंक्वायरीज। विदाउट फर्दर अडू लेट्स चेक आउट आवर मेन वीडियो। द नंबर वन फूड आइटम विच यू हैव टू एंड यू शुड इनकॉर्पोरेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज बाजरा। आप अपनी वीट की नॉर्मल रोटी में बाजरे को मिक्स करके उसकी रोटी बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ बाजरे की रोटी बनाना चाहें तो उसको भी बना सकते हैं। वो गर्म होती है तो इस सीजन में बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इट इज हाई इन विटामिन बी, फाइबर से भरपूर होती है तो आपके कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगा। प्लस अगर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं तो बाजरा आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो नंबर वन फूड्स विच इज अ सुपर फूड स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स इज बाजरा। प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट इन वन ऑफ योर मील्स एंड यू विल बी सॉर्टेड। नंबर टू आइटम विच इज अमेजिंग एंड आई थिंक आप लोगों को यूज उठाना चाहिए इसका, विच इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आजकल विंटर्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ना ही इजिली सिर्फ एक्सेसिबल होती है बट ऑन द बजट भी होती है। तो अगर आप गर्मियों में यही सब्जियां खाओगे आपका बजट आगे निकल जाएगा, पर अगर इस सीजन में आप इसका फायदा उठाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर हाई इन फॉलिक एसिड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अबंडेंट इन विटामिन सी एंड मिनरल्स। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने की, फॉलिक एसिड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट्स व्हिच यू शुड कंज्यूम। तो इसीलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें एवरी सिंगल डे अपने सैलड में, एवरी सिंगल डे सब्जी में, कोई भी ऐसा एक मील जरूर होना चाहिए जिसमें हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल हो रहा है। इफ यू आर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड, आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स से थोड़ा सा दूर रहना है तब अगर आप उसको कच्चा खा रहे हैं, बट अगर आप उसको पका के खाएंगे वो आपके लिए टोटली सेफ होती है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं इवन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड। नंबर थ्री, नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अबंडेंटली अवेलेबल, वैसे ही सिट्रस फ्रूट्स आर अबंडेंट इन दिस सीजन। पाइनएप्पल्स, oranges, kiwis, you name it and you have it. Everything is in the season. Rich in vitamin C, immunity boosting के लिए बहुत अच्छा है, आपकी skin के लिए बहुत अच्छा है और आपको overall health and wellness की नजर से देखे तो vitamin C is really important. It helps in killing that belly fat as well. तो अगर आप रोज एक विटामिन सी रिच फ्रूट खाते हैं आपको ये नोटिस में आएगा कि आपका बेली फैट भी जा रहा है, विच इज अमेजिंग, अ मिरेकल एंड इट इज अ मिरेकल फ्रूट। तो ट्रस्ट मी, ड्यूरिंग द डे आप अपनी किसी भी मील के बाद स्नैक टाइम पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ऑरेंजेस या कीवीज या पाइनएप्पल्स या बेरीज एंड यू आर गोइंग टू सी सम अमेजिंग चेंजेस, नॉट जस्ट इन योर बेली, नॉट जस्ट इन योर फैट बट ऑल्सो ऑन योर स्किन। नंबर फोर, दिस इज फॉर नॉन वेजिटेरियंस, तो आपको अंडे जरूर खाने चाहिए इस सीजन में। वैसे तो अंडा आप अगर एक खा रहे हो हर सीजन में इट इज सेफ, बट विंटर्स में आप अप टू 2-3 एग वाइट्स भी कंज्यूम कर सकते हो, एग योग भी कंज्यूम कर सकते हो। यस, आपको अगर अंडा खाना है तो उसका एग योग भी आपको कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप दो अंडे खा रहे हैं तो एक एग वाइट और दूसरे में एग योग कंज्यूम कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक खा रहे हैं तो पूरा अंडा खाएं, इट इज रिच इन गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट्स। अगर आप एक योग की वजह से परेशान है कि फैट बढ़ जाएगा, इट इज नॉट going to happen, rather it is going to give you healthy good fat which your body
anyways requires. Okay, so अंडों को जरूर इस्तेमाल करें during the winters. It is one of the superfoods. It'll help you keep your protein in check. उसके साथ साथ आपको satiate रखेगा. आपके दो micronutrients सिर्फ अंडे से cover हो जा रहे हैं. That is protein and fat. Number 5th on the list is amla. Now, if you are someone who is suffering from excessive hair loss, या फिर आपकी skin में pigmentation है, आपकी body में bloating बहुत ज़्यादा हो रही है. आंवला इज द थिंग टू गो फॉर. आप आंवला इधर रॉ खा सकते हो, आप आंवले का जूस पी सकते हो, आप आंवले को सैलड में कट करके यूज कर सकते हो, आप मुरब्बा आंवले का या आंवले का अचार कंज्यूम कर सकते हो. इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर हेयर लॉस, हेयर फॉल फॉर श्योर. इनकॉर्पोरेट दिस इन योर डेली डाइट, स्पेशली इन विंटर्स. इंडियन गूसबेरीज इज अवेलेबल अबंडेंटली. आप आंवले की चटनी बना के खा सकते हो. जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एनी वन ऑफ द फॉर्म्स जो मैंने अभी आपको बताया. इज नॉट ओनली going to make your food taste good, pro nutrient balance करके रखेगा, hair fall का issue आपका कम हो जाएगा. Just try it out. But कब, एक दिन में नहीं होगा. You have to consistently do it in order to see result for at least 21 days. किसी भी चीज इफेक्ट अपने ऊपर देखने के लिए उसको वक्त देना जरूरी है. वरना हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से कुछ करते हैं फैट डाइट्स की तरह, एंड देन व्हेन इट डजंट वर्क हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं. सो दिस इज नॉट वी विल डू दिस टाइम. वी हैव टू पिक अप हेल्दी हैबिट्स, एंड दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस लिस्ट ऑफ 10 सुपर फूड. Please try to incorporate it and you will see a difference yourself. Now, number 7 on the list is methi and ajwain. Methi aur ajwain dono ki hi taasir halki si garam hoti hai. Season mein bahut zyada अप्रोप्रिएट है. अगर आपको अगेन हेयर फॉल का इश्यू हो रहा है, मेथी इज अमेजिंग फॉर दैट. अगर आपको सोर थ्रोट का इश्यू हो रहा है, या पीरियड्स में क्लॉट्स का इश्यू हो रहा है, या तो फिर ओवरऑल पीरियड में बहुत ज्यादा पेन होता है, अजवाइन का पानी आप पी सकते हैं. अजवाइन, मेथी और एक और सीड मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, कलौंजी. कलौंजी इज लाइक, कहावत है कलौंजी के बारे में कि apart from death, it is a solution to all the illnesses. So it is a huge thing to claim. और आप वेदास में पढ़ोगे, आप कुरान में पढ़ोगे, आप अलग अलग तरह के जगहों पे पढ़ोगे, कलौंजी के बहुत सारे फायदे होते हैं. तो आप आटा गूंथते वक्त एक चुटकी कलौंजी डाल सकते हो, अपनी दाल के तड़के में एक चुटकी कलौंजी डाल सकते हो, मेथी और अजवाइन का पानी बना के पी सकते हो. मेथी और अजवाइन का डिटॉक्स वाटर कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए ये वीडियो जरूर देखें. यू विल नो ऑल अबाउट इट, सारे बेनिफिट्स भी और उसके क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट बेनिफिट्स है सब कुछ. तो उस वीडियो को जरूर देखें. रिच इन मैग्नीशियम एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर ओवरऑल ब्लोटिंग एज वेल. सो चेक इट आउट. एंड डेफिनेटली मेथी, अजवाइन और कलौंजी, ये तीनों में से कोई भी दो अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपके. और नंबर 8 ऑन द लिस्ट इज चना और गुड़ का कॉम्बिनेशन. चना और गुड़ का क्लासिक कॉम्बिनेशन है, चिक्की के फॉर्म में खा सकते हो. रिच इन आयरन, अमेजिंग स्नैक ऑप्शन फॉर वेट लॉस ऑल्सो. तो इन दोनों को इन कॉम्बिनेशन खा सकते हो. रात को खाने के बाद अगर आपको स्वीट टूथ की क्रेविंग होती है तो गुड़ में एक चम्मच घी डाल के अच्छे से उसको कंज्यूम करिए. इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन satiating that sugar craving. Along with that, आपकी body में hemoglobin, iron की कमी जो हो रही है उसको भी पूरा करेगा. So it is one of the superfoods. Amazing. Indians तो उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो please उसको incorporate करें और उससे डरे नहीं. हाँ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. अगर इफ यू आर समवन जिसको गुड़ चना खा के गैस हो जाता है, तो जस्ट अवॉइड चना एंड सिर्फ गुड़ खा सकते. द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रियली गुड फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन्स एज वेल इज तिल. फूड विच इज अ सुपर फूड अवेलेबल इन विंटर्स, लैक्सेटिव की तरह काम करता है आपके जॉइंट पेन के लिए. इट इज गोइंग टू हेल्प यू. तिल का लड्डू या तिल का ऑयल में आप तड़का लगा सकते हो. बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इन सब चीजों, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू. इनकॉर्पोरेट करें इन एनी फॉर्म यू लाइक. और उसके साथ साथ अकम्पनीड रहेगा पीनट्स. नाउ डेफिनेटली नट्स आर रियली इंपॉर्टेंट ओवरऑल ऑल्सो. सो आप कैश्यूज, आप वॉलनट्स, आप आलमंड्स तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, बट हैंडफुल ऑफ पीनट्स, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं, जरूर इनकॉर्पोरेट करें. वंस इन टू डेज खा सकते हैं, और चाय के साथ एज अ स्नैक खा सकते हैं, अपने पोहे में पीनट्स डाल सकते हैं. ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए दिस इज एसेंशियल एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर कोलेस्ट्रॉल एंड ऑफ कोर्स इन फैट लॉस एज वेल. अच्छा खाना खाओगे, फैट लॉस हेल्दी वे में होगा.
अगर आप क्रैश डाइटिंग करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, आपके हेयर पे भी रिफ्लेक्ट करेगा. सो वी डोंट वॉन्ट दैट. दिस इज अ सुपर फूड, मेक यूज ऑफ इट व्हेन इट इज अवेलेबल ऑल अराउंड. लास्ट थिंग विच इज द रूट्स. नाउ रूट्स जैसे कि टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट्स हो गया, बीटरूट्स हो गया, इनको अपने डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट करें. गाइज यू आर सो लकी टू हैव दीज थिंग्स इजिली एक्सेसिबल एंड अराउंड इट, एंड सो वाई डोंट यू यूज इट. यू हैव टू यूज इट. इट इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर हीमोग्लोबिन, इट इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर मैग्नीशियम, सिलीनियम, इट इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर ओवरऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस. प्लीज एड इट इन द फॉर्म ऑफ सैलड, आप इन द फॉर्म ऑफ कबाब्स, आप इन द फॉर्म ऑफ कोई भी चीज जिस फॉर्म में आप यूज करना चाहो उसको यूज करो, बट जस्ट यूज इट एंड यू आर गोइंग टू सी द बेनिफिट्स ऑफ इट डेफिनेटली फॉर श्योर. विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस 10 सुपर फूड्स फॉर विंटर्स. प्लीज इसमें से 4 या 5 जरूर इनकॉर्पोरेट करें. मैं प्लीज कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई नो द बेनिफिट्स ऑफ इट. आई नो माई क्लाइंट्स हैव गॉटन द बेनिफिट्स, आई एम गेटिंग द बेनिफिट्स. जिनको मैं बताती हूँ वो सब इसका यूज करते हैं. तो किसी भी वीडियो के माध्यम को सिर्फ देखिए नहीं एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. अज़रा खान फिटनेस शुड बी अ सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर यू, जहां से आप अगर अपना 10 मिनट बिता रहे हो तो आप कुछ उससे नॉलेज लेके वापस जाओ. सो दिस इज द पर्पस ऑफ इट. आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दिस वीडियो एंड इट वॉज नॉट वर्थलेस. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ इट हेल्प यू. आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में अपने वीडियो रिकमेंडेशन भी बता सकते हैं किस चीज में दिक्कत हो रही है, सो दैट मैं उस हिसाब से वीडियोज बनाऊ आपके लिए, सो दैट यू मेक यूज ऑफ इट. आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंडर देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. गुड बाय.